हेलो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वो लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, साथ में बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, साथ में हमें टेलीग्राम ट्विटर इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, उन सभी के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड स्टॉक के बारे में, राइट। KNR कंस्ट्रक्शन की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, इसके टारगेट क्या रहेंगे और ये स्टॉक हमें क्यों पसंद आता है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है, 2 या 5 दिन पहले मैंने इसके वीडियो के माध्यम से शेयर किया था कि स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, ठीक है। और 370 के प्राइस में, ठीक है, 370 के प्राइस में मैंने आपको बाय रिकमेंड किया था। वैसे मैं आपको बाय की सलाह बिल्कुल नहीं देता हूँ, राइट। अगर आपको बाय करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। तो मैंने खुद स्टॉक में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, ये ना मेरी जो एवरेज कॉस्ट है 371 ही है और अभी चल रहा है 446 रुपये के आसपास। हमें नेट जो गेन हो रहा है 20% के आसपास। आपको मैं क्वांटिटी नहीं शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ कॉमेंट करके अपना भी टाइम बर्बाद ना करें और मेरा भी ना करें, राइट। तो ये आपके सामने है, मैंने कुछ इसमें क्वांटिटी बाय कर रखी है। और दोस्तों, बोलना चाहूँगा ये स्टॉक मैंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करा हुआ है, राइट। आपके साथ एक छोटा सा मैं टिप देना चाहता हूँ। टिप क्या मतलब, एक ये बोल देना चाहता हूँ, ये स्टॉक मल्टी वैगा स्टॉक है, ठीक है। ये स्टॉक मल्टी वैगा स्टॉक है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है और मैं बोल रहा हूँ अभी ये स्टॉक मल्टी वैगा स्टॉक है, मल्टी बैगर, ठीक है। मल्टी बैगर का मतलब कि आपको मल्टी मल्टी रिटर्न देकर जाएगा, मल्टी मल्टी। जो आप सोच रहे हो कि लार्सन, ये सेम सेक्टर का स्टॉक है जिसमें L&T आता है। तो भाई, अगर आप सोच रहे हो कि मैं L&T को बाय करूं, तो मेरे हिसाब से आप L&T में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें। लेकिन आप KNR कंस्ट्रक्शन में, अगर आप L&T में 2 रुपये लगाने की सोच रहे हो, तो KNR में कम से कम 5 रुपये लगाइए, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है नेक्स्ट जो L&T होने वाला है, मतलब L&T का जो वैल्यू प्राइस है 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है KNR के जो मेरे टारगेट है वो 1250 के आसपास के हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली 1250 ये टच कर सकता है KNR कंस्ट्रक्शन, राइट। इसका जो एक प्रॉपर वीडियो था, ये क्यों मुझे 1250 लगता है, मैंने वो बना रखा है, आप देख लेना। ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई, अगर आप सोच रहे हो कि आप L&T को बाय करके चलो, तो मेरे हिसाब से भाई आप डेफिनेटली L&T का बाप है KNR कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, देखो प्राइस के हिसाब से और कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से तो L&T ही बाप है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि KNR कंस्ट्रक्शन एक बाप बन सकता है आने वाले वक्त में, फ्यूचर में प्राइस के अकॉर्डिंग, मतलब मल्टी बैगर हो सकता है। 370 के प्राइस में दिया है, 1250 जाएगा तो 400% की रिटर्न आ सकती है, इसको आने में टाइम लग सकता है, ठीक है भाई। तो अब आपकी मर्जी, आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से एक मल्टीवेगा स्टॉक होगा आपका KNR कंस्ट्रक्शन। अब चार्ट के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ स्टॉक में आजकल क्या चल रहा है, साथ में वो भी दिखाऊंगा कि अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ क्या चल रही है, ठीक है, वो भी आप देख लेना एक बार। तो दोस्तों, देख सकते हो, जैसे मैंने पहले ही बोला, एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, ये अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। अब वही हो रहा है, जब भी कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, ये पूरी रेंज आपका टारगेट रहता है। तो डेफिनेटली 500-550 तो हंस के जाएगा, हंस के, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि इसको अभी भी बाय कर लूँ, तो भाई आपकी मर्जी। वैसे तो आपको हमने सजेस्ट कर ही दिया था, बल्कि चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको अपडेट करते रहते हैं। तो अब बात करते हैं स्टॉक की न्यूज़ की, हाल फिलहाल इसकी क्या न्यूज़ चल रही है, ठीक है। KNR कंस्ट्रक्शन शेयर प्राइस टुडे क्या न्यूज़ है, क्या इसने क्लोजिंग करी है, एक बार वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ इसके आसपास आपको सजेस्ट किया था बाय का और स्टॉक रॉकेट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों, न्यूज़ अगर आप देखोगे तो न्यूज़ इसकी क्या चल रही है, आप न्यूज़ देखिए दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि KNR कंस्ट्रक्शन सोर्स 70% हिट्स न्यू हाई अहेड ऑफ 1:1 बोनस, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टॉक 1:1 बोनस देने वाला है, मेरे ख्याल से 2 फरवरी इसकी डेट थी, कल या परसों तक ये बोनस दे देगा। तो मैंने आपको ये बोला था कि एक शेयर फ्री में मिल जाएगा अगर आप स्टॉक को बाय करते हो, तो हाँ, इसी वजह से मैंने भी स्टॉक को बाय किया था। और देखिए, बोनस के वजह से, बोनस इशू होने की वजह से स्टॉक कितना अच्छा भाग रहा है। एक बात को ध्यान रख लीजिए दोस्तों, हर स्टॉक जो बोनस देता है वो मल्टीबैगर नहीं बनता है, इस बात को ध्यान रख लो, ठीक है। रिलायंस का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। रिलायंस 2017-16 के आसपास बोनस दिया था, 800 के आसपास, ठीक है। उस समय 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा था और वो स्टॉक 800 का, उसने बोनस देके 800 का हो गया और 800 से स्टॉक ऑलमोस्ट 2400 गया, ठीक है, समझ पर 3 गुना हो गया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि वो ही स्टॉक आपका बोनस इशू करते हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं, पहली बात तो। और देखो, बहुत सारी कंपनी मार्केट में जो बोनस इशू करती है, लेकिन आप हर स्टॉक को बाय नहीं कर सकते हो। आप उन स्टॉक को बाय कीजिए जिनके प्रॉफिट अच्छे हो,
ठीक है, और प्रमोटर का पैसा लगा हुआ हो। तो केनार कंस्ट्रक्शन एक ऐसा स्टॉक है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग बहुत बढ़िया है, कंपनी के प्रॉफिट भाई बहुत गजब के, मैंने वीडियो बना रखा है कि कंपनी के प्रॉफिट काफी गजब है और फाइनेंशियल तो उसके बहुत बढ़िया है। एक दो हफ्ते पहले इन्होंने 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट भी विन किया है, राइट। तो मतलब बुक्स के अकॉर्डिंग काफी अच्छा स्टॉक लग रहा है, ठीक है भाई। तो अभी कह रहा हूँ स्टॉक को बाय करिए, और कोई भी जो स्टॉक बोनस देता है उनको बाय मत करना, जो प्रॉफिटेबल कंपनी है अगर वो बोनस इशू करती है तो आप बाय करके चल सकते हो, ठीक है भाई। तो बोनस की वजह से स्टॉक भाग रहा है। दूसरी न्यूज दोस्तों इसकी ये है कि जैसे आपको पता है यूनियन बजट 2021 आया था, उसमें ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है इनके लिए काफी अच्छा आपके सीतारमण जी ने ऐलान किया है, 20,000 करोड़ का पैकेज है मेरे ख्याल से। तो एक वो दूसरा रीजन वो है, ठीक है भाई। तो ये खबरें हैं जिसके वजह से स्टॉक इतना बड़ा रॉकेट हो रहा है। आपको भी देखा होगा एलएनटी भी आज 5% ऊपर था, उसका भी रीजन वही है, ठीक है भाई। तो भाई डेफिनेटली स्टॉक को रडार में रखो, अगर आपको मन कर रहा है स्टॉक को बाय कर सकते हो अभी तो कर लो भाई, मेरे हिसाब से मल्टीपल का स्टॉक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं 10 रुपये लगाऊं तो अभी के प्राइस में आप ना 2 रुपये लगाओ, क्योंकि स्टॉक काफ़ी भाग चुका है, 20% भाग चुका है। अगर नीचे कभी करेक्ट होता है तो डेफिनेटली आप उसको अपने रडार में रखो और बाय करके चल सकते हो। मेरे हिसाब से भाई केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इज गोइंग टू बी अ मल्टीवेक्टर स्टॉक दैट कैन गिव यू ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड रिटर्न, ठीक है। अभी आपको 2025 तक मेरे ख्याल से दे सकता है, बाकी आपकी मर्जी, आप खुद की रिसर्च में ऐड कर सकते हो। कुछ कमेंट होगा नीचे, कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, सेफ ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग एंड पीस आउट।